हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वास्तविक का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज ही मैं एक वीडियो अपलोड किया था कि यूपीएससी सीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पीटी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो पीटी होती है उसमें पास करने पर, तो ये आप लोग सबको पता था कि 1-1 लाख रुपए बहुत जगह या बहुत स्टेट देते हैं, केंद्र सरकार भी एसटीएससी ग्रुप को देती थी। अब उसके बाद मुख्य परीक्षा पास करने पर भी अब उसका लाभ कई कई राज्यों ने देना शुरू कर दिया। उसमें तेलंगाना पहला राज्य है कि पीटी पास करने पर तो 1-1 लाख मिल ही रहा है सिविल सेवा का, अब मुख्य परीक्षा पास करने पर भी तो बहुत अच्छा खुशखबरी है। इस तरह में प्रोत्साहन बढ़ता है, बच्चे भी पढ़ते हैं और उनका जो होता है आर्थिक प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है, पढ़ने में भी ध्यान देते हैं। क्योंकि ये आर्थिक प्रॉब्लम जो होता है बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर उसका 1 लाख मिल जाता है तो उससे वो बहुत कुछ कर लेगा, उसका कहने का मतलब तैयारी बहुत अच्छा हो पाएगा। क्योंकि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में तो मटेरियल भी चाहिए और पढ़ने के लिए ज़रूरी है, इसलिए तो जरूरी है। ये तो ठीक है, आप देखिए उससे बढ़कर खुशी बीपीएससी और यूपीएससी ही नहीं, जिसे बोले बीपीएससी में भी होता था, पैसा मिलता था एसटीएससी लोग। अब रेलवे और बैंकिंग में भी परीक्षा पास करने वालों को बम्पर पैसा, उसके अलावा सेंट्रल में का कोई भी जॉब जैसे सीडीएस हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, एसएससी हो गया या ग्रेजुएट लेवल का कोई भी जॉब है, वो सब भी पास करने पर पैसा मिलेगा। समझिए, उधर पास करेगा तो नौकरी भी मिलेगा, इधर पैसा भी मिलेगा, तो कैसे नहीं पढ़ेगा आदमी, वो तो उछल उछल के पढ़ेगा, पैसा भी मिलेगा और जितना में पास करेगा सब में मिलेगा। ये खुशखबरी बता दे रहे, मान लीजिए वो 10 को एग्जाम पास किया तो 10 में मान लें कि 50-50 हज़ार या 20 हज़ार करके जो भी मिला मिलेगा। तो चलिए, बिग अपडेट है और भी जानते हैं, डिटेल एक एक करके चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेंट्रल स्टेट सभी तरह का जॉब में ही अपडेट करते रहता हूँ। और अभी हाल ही में जो न्यायालय के आदेश के अनुसार शिक्षक नियुक्ति हुई झारखंड में, उसका जुलाई भर और इधर अगस्त भर भी पूरा अपडेट किया। अब उसका फाइनल रिजल्ट यानी मेरिट लिस्ट बनेगा 1 सितंबर 2024 को, तो उसके बाद मेरिट बनने के बाद फिर अपडेट उसका किया जाएगा। उसके बाद देखिए सहायक आचार्य का, अभी तो हाईकोर्ट रोक लगा दिया है रिजल्ट में, तो चलिए देखते हैं आगे। बीपीएससी और यूपीएससी ही नहीं, अब रेलवे और बैंकिंग भर्ती परीक्षा पास करने वालों को भी मिलेगी धनराशि। देखिए, बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एससी एसटी वर्ग के छात्रों को बैंक रेलवे समेत दर्जन भर सेवाओं कि प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। एससी एसटी कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इस संबंध में नया प्रावधान लागू किया है। पूर्व में एससी और एसटी वर्ग के छात्रों को सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में ही खाली पैसा मिलता था, आप उनके अलावे उन लोग को पैसा मिलेगा। विभाग के अनुसार एक दर्जन से अधिक परीक्षाओं में सफलता हासिल करने पर एससी एसटी वर्ग के छात्रों को अलग अलग राशि प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। अभी पहले ही मैंने शुरुआती में कहा था कि जितना परीक्षा में पास करोगे सब में अलग अलग, बच्चा भी खुश और पढ़ेगा भी खुश होकर पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा। इसमें यूपीएससी की भारतीय अभियंत्रण सेवा मैंने इंजीनियरिंग सेवा हो गया, भारतीय आर्थिक सेवा वित्त विभाग, भारत सांख्यिकी सेवा स्टैटिकल सर्विस, संयुक्त भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल आदि सेवा में सफल होने पर देखिए 75,000 रुपये मिलेगा। सोचिए 75,000 रुपये,
अगर तीनों में हो गया तो तीनों को 75-75 तीन बार गुना कर दीजिए। फिर संयुक्त रक्षा सेवा CDS, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI में DSP, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF में सफल होने पर देखिए 50-50 हज़ार रुपये, अगर सब में इसमें सफल होगा तो फिर उतना को मल्टीप्लाई कर दीजिए 50-50 से। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA एवं नौसेना अकादमी की प्रथम चरण लिखित परीक्षा में देखिए PTA में मैंने कहा तभी अभी नहीं किया, सफल होने पर 50,000 रुपये। बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर 50,000 रुपये एवं आन राज्यों की देखिए ये तो और ताजुब वाली बात है, आन राज्यों की सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 50,000 रुपये भुगतान होगा। कहने का मतलब अगर दूसरा राज्य जैसे बिहार छोड़ के झारखंड राजस्थान UP हरियाणा MP दिल्ली या कहीं भी वहाँ भी पास कर गया सब में PT भी पास कर गया तो 50-50 हज़ार, अरे भाई खूब पढ़ो, ये मौका और कहाँ मिलेगा, अब नहीं पढ़िएगा और नहीं तो क्या कीजिएगा, ये तो बल्ले बल्ले हो गया। जैसे नहीं देखते क्रिकेट मैच में जीतता है इंडिया तो ये क्रिकेटर का एकदम बौछार लग जाती है कि कितना कितना देने लगते हैं लोग या कंपनी देने लगती है, ये ऑफर देने लगती है, तो उस तरह का ये ऑफर ही इतना बड़ा बिग अपडेट और इतना गुड न्यूज। इससे पहले मैं और एक अपलोड किया, आज ही किया हूँ सवेरे, ये शाम को इसको मैं कर रहा हूँ, इस तरह आप लोग के लिए देखिए कितना अच्छा अच्छा बिग अपडेट और बिग न्यूज है। चलिए आगे देखते हैं, रिजर्व बैंक की ग्रेड बी की प्रारंभिक परीक्षा, RBI की बी ग्रेड की प्रारंभिक परीक्षा, ये तो PTA का बात हो रहा है, मेन होने से तो लगता है कि डबल कर दिया जाएगा। हम स्टेट बैंक एवं अन्य व्यावसायिक बैंकों में PO की परीक्षा, भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर 30,000, केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए, देखिए नई दिल्ली संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 30,000 एवं रेलवे बोर्ड की ओर तकनीकी एवं स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने 33,000, इधर 33,000 हो गया। राज्य सरकार ने SC ST वर्ग के प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सफलता के लिए प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया है, ये तो बहुत बड़ा गुड अपडेट और गुड न्यूज है, एकदम बल्ले बल्ले और एकदम अच्छा। जो सिर्फ पास करेंगे इतना एग्जाम, अगर सभी में हो गया तो उनको तो 8-10 लाख रुपये ऐसी हो जाएगा। अभ्यर्थी सफलता के लिए योजना का विस्तार किया है, इससे इतनी बड़ी संख्या में इस वर्ग के अभ्यर्थियों को भी सफलता हासिल करने के प्रति ललक बढ़ेगी, समाज का विकास होगा। देवेश सेहरा सचिव अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, देखिए ये इतना बड़ा खुशखबरी। तो दोस्तों ये देखिए बहुत बड़ा भी अपडेट है, तो आप लोग भी पढ़िए, बिहार के सब स्टेट ऐसा कर दें तो बहुत अच्छा है, तेलंगाना भी ऐसे ही कर दिया। तो नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपडेट आपको मिलते रहेगा। जय हिंद, जोहार झारखंड।